हैं माधवन फैमिली रेस्टोरेंट में, मैंगलोर का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है और इसका लोकेशन वगैरह देख सकते हैं आप नीचे। चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ के आपको पार्किंग एरिया दिखाते हैं। ये देखिए मेन रोड के साइड में ही है इसका, आप आराम से गूगल मैप के हेल्प से आ सकते हैं। और ये एरिया पूरा का पूरा जो देख रहे हैं ना, इन्होंने गार्ड ने बताया पूरा का पूरा ये इन्हीं का पार्किंग एरिया है। शाम में पूरा का पूरा एरिया जो ये फील हो जाता है। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब इसका पार्किंग है, हमको इतना अच्छा लगा है। पूरा गार्डनिंग वगैरह पेड़ पौधे के साथ बनाया गया है। सामने वहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग, फिर इधर फोर व्हीलर वगैरह है। आगे जाएंगे तो और ज़्यादा स्पेसियस है। ये देखिए पूरा का पूरा पार्किंग है। चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। काफी बड़ा है यार। इंस्टाग्राम जो यूजर्स हैं उनके लिए एक अच्छा है ऑफर। यहाँ पे डाइनिंग स्पेस 2000 तक का मिलेगा। और स्टेप वन में क्या है, स्कैन द QR कोड, लाइक आवर पेज ऑन बोथ FB एंड इंस्टा पे। फिर उसके बाद आपको क्लिक कर सेल्फी, एक सेल्फी लेनी है और विलेज टैग के साथ इसको इंस्टाग्राम स्टोरी में डालना है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे मिल सकती है। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो ये एरिया थी कुछ एंट्री पॉइंट जो हमने आपको दिखाया। यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छा शानदार, ऊपर चलना है तो। यार मस्त है यार, देखो ये सब उन्होंने आर्टिफिशियल किया हुआ है ना, मेरा पाला देख। तो गाइस आ चुके हैं, अब हम लिफ्ट से जा रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने फिर से सरप्राइज दिया हमें यहाँ पे। ये हो गया इधर से टू इसी पे भेजती है। इधर ओपन रूम ये देखें, वाओ। हाँ यहाँ पे बैठो। बैकग्राउंड कितना अच्छा आ रहा है यार, बैकग्राउंड काफी अच्छा आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। आपको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर भी है, वहाँ पे कर सकते हैं। पहले अभी लंच करते हैं, काफी जोर से भूख लगी है। फिर आपको यहाँ का जो चीज़ें हैं एक्सप्लोर करेंगे, वो सारी चीज़ें दिखानी आपको, काफ़ी अच्छा है। और ये क्रेडिट, दिस क्रेडिट गोज़ टू हर, इन्होंने पता किया कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ऑर्डर करो कुछ भी। और ये देखिए तब तक, ये जब तक मैम ऑर्डर कर रही हैं तब तक मैं आपको इधर का व्यू दिखाता हूँ। वाओ क्या ग्रीनरी लग रहा है यार, बम्बो ट्री है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एरिया आपको दिखाएंगे तो ये रेस्टोरेंट एरिया काफ़ी खूबसूरत,
पूरा का पूरा या इस तरह से एरिया। अभी हमने ऑर्डर कर दिया है, चिकन टिक्का ऑर्डर किया है। और यहाँ पे एक नई फिश हमें पता चली है, लेडी फिश, क्या बोलते हैं उसको, काने फिश या लेडी फिश, काने फिश या लेडी फिश, पतली दुबली वाली, लंबी लंबी। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद हम लोग काने फिश का ऑर्डर करेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने चिकन टिक्का ऑर्डर किया है और मुरू फिश ऑर्डर किया है स्टार्टर में, उसके बाद फिर ऑर्डर करेंगे नेक्स्ट। बने रहिए वीडियो में, क्योंकि अभी आपको लंच के साथ साथ यहाँ का व्यू दिखाने वाले हैं, जो कि अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। अभी आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, बहुत सारे मतलब एरियाज हैं जहाँ पे डेकोरेशन वगैरह किया गया है, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। पहले टेस्ट करो, मैम बताएंगी कैसा लग रहा। अच्छा, ये चटनी है ग्रीन वाली, ये काफ़ी अच्छी लगती है। ये वॉशरूम है, देखिए सामने मिरर दिया गया, फर्स्ट टाइम ऐसे देखा मैंने वॉशरूम में। वाह, ये मुरू है ना, मुरू है हमारा मुरू फिश। ये आ गया हमारे पास लेडी फिश या काने फिश, और ये हमने मंगाया है नीर डोसा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। ये आ गया हमारा मटका फिश करी, ऐसे करी टाइप में, चावल वाली लग रही है, चावल वाली, चावल के साथ ही स्टीम तुम्हारी लेडी फिश कैसी लग रही है तुम्हें? हमको मोटी वाली ज़्यादा अच्छी लगी, मोटका। मुरो इसे अच्छा था, बट लाइक इसका भी टेस्ट अच्छा है। और ये आ चुका है हमारे पास बॉइल्ड राइस। प्रेजेंटेशन देखिए कितना अच्छा है, बॉल और राइस काफ़ी पतले पतले हैं, अच्छा है, टेस्टी है। फाइनली हमारा लंच हो चुका है और बहुत सारी डिशेज ऑर्डर करा था, कुछ नए फिशेज हमने ट्राई किए, काफ़ी अच्छा है। यहाँ का मैंगलोर का फेमस फिश वगैरह है। और यहाँ के फीडबैक की बात करूँ तो, एक तो सबसे पहले आप एंट्री के टाइम ही आपका मतलब इतना अच्छा लुक है कि आपको काफ़ी अच्छा लगे इस रेस्टोरेंट के अंदर आने के बाद। उसके बाद इनकी देने का जो प्रेजेंटेशन है खाने का, वो सारा अच्छा है। और टेस्ट की बात करूँ तो अच्छा है, आप उसके हिसाब से अपना ट्राई कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप आते हैं तो आप अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नीचे, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने बाकी हैं, वीडियो में बने रही। गाइस फाइनली निकल चुके हैं लंच करके, और इधर का आउटसाइड भी आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, देखिए कितना खूबसूरत है।
और यहाँ पे देखिए जब रात में आप आएंगे ना तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी, लाइट जलते हुए लाइनिंग से रखी गई हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब यहाँ से हम लोग आए थे लिफ्ट में, जाते के टाइम चल रहे हैं इधर से, पार्क है कहाँ पे पार्क है, बच्चों के लिए पार्क है। अच्छा ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में, उधर भी चलते हैं देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं। चलो हम नीचे चलते हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे तो नाइट में आएंगे तो लाइटिंग का बहुत आपको पूरा दिखेगा। ये आपको मतलब रेस्टोरेंट तो है ही, साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट वाले जाते हैं हर जगह पे, आपको सेल्फी पॉइंट के लिए मिलेगा। वाओ स्पेशल झरना। सारा ओरिजिनल प्लांट्स है। ये देख सकते हैं, ये लग रहा है जैसे कि ग्लास का लेयर है, बट ये ग्लास का लेयर नहीं है, ये पानी इसके सराउंडिंग से आ रहा है, काफी मजेदार है देखिए। वाओ फाइनली अब हम लोग रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं। ये देखिए वाइड एंगल में इतना अच्छा लग रहा है, सराउंडिंग एरिया मस्त लग रहा है। ठीक है आप लोग भी आइए यहाँ पे और मज़े कीजिए, काफ़ी मज़ेदार है। खासकर एक बार हम एंजॉय करना चाहेंगे शाम में आकर यहाँ पे, क्योंकि तो शाम में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ठंडा हवा लगेगा। और सामने जो एक एरिया है मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर उन्होंने बोला शाम में वहाँ पे टाइनिंग लगाते हैं, अभी धूप है तो वहाँ पे नहीं लगाते हैं, अदरवाइज वहाँ पे लगाते हैं तो फील काफ़ी अच्छा आएगा। वैसे आ चुके हैं पार्किंग एरिया और आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना था, जब हम यहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम गाड़ियाँ थी और अभी बज चुके हैं दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और अभी आप देखिएगा तो ये देखिए ये सब जो है पार्किंग एरिया पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ था, थोड़ा सा था, और अभी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोकेशन से आपको दिखाई यहाँ पे पूरा का पूरा पार्क हो चुका है, मतलब कितने लोगों के क्राउड यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहे। और यदि आप पार्किंग कहीं और दूर में करते हैं तो ये एक सुविधा दी गई है रेस्टोरेंट वालों के थ्रू कि वो आपको रेस्टोरेंट तक ले जाकर छोड़ेंगे, मतलब कितना एक अलग से एक्साइटमेंट आपको पड़ेगी, तब वहाँ पे उनको उतार दिया गया है। देखिए हाँ पार्किंग यदि आप दूर पे जाके कहीं जाके कर रहे हैं, इधर स्पेस नहीं है, तो वहाँ से आपको इधर पैदल नहीं आना है, वहाँ लाने के लिए आपको इस गाड़ी के थ्रू ले जाया जाएगा। हाँ जो वगैरह में होती है बस इनका काम यही है, वहाँ पे जो पार्क कर रहे हैं उनको सामने लाके रेस्टोरेंट के पास छोड़ देना है। तो गाइस अगर हम बात करें इस रेस्टोरेंट की, ओवरऑल फीडबैक बहुत अच्छा था और यहाँ पे अगर आप आएंगे एक बार, अगर आप मैंगलोर में हैं तो जरूर आइए, एंजॉय करेंगे। लोकेशन उन्हें डेकोरेशन देख करके तो मन खुश हो जाएगा, बहुत अच्छा डेकोरेशन है एंड झरना वरना भी बहुत अच्छा किया है। तो आप अगर मैंगलोर में हैं तो आप जरूर आइए, एक बार आप विजिट करिए, उसके बाद आपको खुद ही जाएगा कि आपको दोबारा आना है। आइए हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए अपने।
ध्यान रखिए। अब धीरे धीरे गर्मी इधर बढ़ गई है, ज़्यादा गर्म हवा चल रही है। के साथ ही ये ब्यूटीफुल वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। और मैंगलोर में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, बीचेस इन मैंगलोर, विजिट प्लेसेस इन मैंगलोर, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं और अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, ताकि और चीज़ें बता चल सके कि मैंगलोर में और कौन कौन सी चीज़ें हैं घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।